हरिद्वार लोकसभा की जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप विश्वास रखिए, हम हर संघर्ष में आपके साथ होंगे और यहाँ के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार लोकसभा से 5 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। एक तरफी से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 6 लाख वोटों से जिताएंगे पूरे। इसलिए रोड शो के बाद में जो है ना, आम जनता और भी इनसे जुड़ेगी। कैसा महसूस आप कर रहे हैं सर? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। ये देहात में इस तरह का सुंदर स्वागत होना और सब लोग घंटों से खड़े हैं सड़क पर, और बहुत मुझे लग रहा है कि लोगों में बहुत खुशी है कि एक बार फिर मोदी जी को सरकार में लाना है और फिर प्रधानमंत्री बनाना है। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि प्लेन में, जो प्लेन वाला एरिया है, इतना भरपूर स्वागत होगा, एक्सपेक्टेशन थी आपकी? एक्सप्रेशन थी, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा स्वागत हो रहा है गांव में। इस ढंग से लोगों में जो इस तरह से उत्साह, ये मैं मुझे एक अलग तरह की स्फूर्ति प्रदान कर रहा है। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि जिस क्षेत्रों से आप निकल रहे हैं, कुछ कुछ सबसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ तक कोई, निश्चित रूप से हमारा जो देहात क्षेत्र है। देखिए, मैं अगर राज्य बनने और उसके कुछ दिन के बाद की और पहले की बात करूँ, तब और अब में तो बहुत अंतर है। तमाम यहाँ पर पुल बन गए हैं, अच्छी सड़कें यहाँ पर बीच में जो बनी हैं, इंडस्ट्री यहाँ पर आई है, लेकिन हाँ, इस क्षेत्र को अभी डेवलपमेंट की और बड़ी ज़रूरत है। नहीं, देखो, गांव का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। जब गांव का विकास होगा तभी हमारे शहर भी संतुलित विकास और अच्छे मजबूत हो सकते हैं। कनेक्टिविटी तो लगभग गांव में कनेक्टिविटी तो है, जो रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन इसको बेहतर बनाया जाए, ये जरूर होना चाहिए। आखिरी में सर, क्या मैसेज जनता के लिए? मैं देश प्रदेश की जनता को और हरिद्वार लोकसभा की जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप विश्वास रखिए, हम हर संघर्ष में आपके साथ होंगे और यहाँ के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता दूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी रोड शो कर रहे हैं, जो कि सोलपुर से स्टार्ट हुआ है और ये मसाईकला और हद्दीवाला से निकलते हुए, मानुबास बुगौला से निकलते हुए भगवानपुर जाकर ख़त्म होगा, क्योंकि वहाँ पर भी शाम को रोड शो है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, हमारे साथ एक शख्स है सुभाष चंचल जी, जिन्हें आप जानते भी होंगे, जो पहले की विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और पूर्व में इन्होंने विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग भी की थी, लेकिन नहीं मिल पाया था, उसके बारे में इनसे ही जानते हैं। जी, आज जो रोड शो हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार लोकसभा से 5 लाख वोटों से ज़्यादा जीतेंगे और हिंदुस्तान के अंदर 400 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगी। इस समय हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की लहर आ चुकी है, कोई प्रत्याशी सामने नहीं है और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी अपना एक रिकॉर्ड बनाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे साथ डॉक्टर राम, ये पूछना चाहूँगा आपसे एक बात की, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी चेहरा बदला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अच्छा क्या है या गलत क्या है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता बराबर हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लोकप्रिय हैं, जो 5 लाख का उन्होंने आयुष्मान भी स्टार्ट किया था, इस समय उनकी लोकप्रियता जनता के बीच में है और उनको बहुत भारी बहुमत मिल रहा है, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। टक्कर किससे मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की? टक्कर किस, कोई टक्कर ही नहीं है, कोई प्रत्याशी बीच में नहीं है, जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ है और भारी मतों से वो जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर लहर के रूप में आएगी। और पुनः ये हमारे शेर सिंह जी हैं, ये टंडा हसनगढ़ से हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी
मीडिया के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चरम सीमा जो लहर चल रही है पूरे देश को बताइए कि केवल नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने धारा 370 हटाई, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया और हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। आज जो विश्व गुरु बनेगा वो नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बनेगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के नेता बनेंगे, ऐसी हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। मेरा लास्ट सवाल एक आपसे है कि पूर्व में आपने विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी ज्वालापुर विधानसभा से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और उसी का खामियाजा शायद मेरे को लगता है भुगतना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती थी, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी में मेरे को दी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने रवि बहादुर वाल्मीकि को टिकट दे दिया था और वो 14,000 से जीत गए थे, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कुछ भी दे सकती है और मैं ज्वालापुर विधानसभा के लिए हमेशा जनता के लिए तन मन धन से साथ हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते जनता की सेवा करता रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूंगा। तो क्या लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस के विधायक होने के साथ साथ क्या कि वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कम आ सकती है या फिर विधायक जी की वजह से कांग्रेस को वोट ज़्यादा जा सकती है? भारतीय कांग्रेस के विधायक का कोई काम नहीं है यहाँ, कोई लहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है। कांग्रेस के विधायक ने कोई कार्य नहीं किया है इसलिए कांग्रेस पे कोई अपना मैनिफेस्टो नहीं है, कोई नेता नहीं है, उनका कोई गठबंधन नहीं है। राहुल गांधी जो अपने आप को नेता मानते हैं उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई मिशन नहीं है दोस्तों, इसलिए कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी क्योंकि उनका जो हरीश रावत का बेटा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है उसे कोई जानते ही नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है और यहाँ की जनता कमल के फूल पर भारी मतों से आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाकर पार्लियामेंट के अंदर भेजेगी और नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो ज्वालापुर विधानसभा में रोड शो किया है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना रोड शो करने से भारतीय जनता पार्टी को आज कितना लाभ होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे तो रोड शो भी अगर ना करे तो भी लाभ ही लाभ है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसे होंगे तो इस देश का जो है विकास होगा। और ये जो लोग कहते हैं कि भाई बिरादरीवाद या हिंदू मुस्लिम वाली कोई इस तरह की बात नहीं है बल्कि आम जनता को इसका फ़ायदा हो रहा है, इसलिए रोड शो के बाद में जो है ना आम जनता और भी इनसे जुड़ेगी और यहाँ से जो है भारी मतों से जो है हम त्रिवेंद्र सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जो आज भगवानपुर में अब यहाँ पे बूथ बैठक भी का जो कार्यक्रम रखा गया है इसके बारे में क्या कहेंगे? बैठक इसीलिए रखी जा रही है ताकि हर आदमी से जुड़ा जा सके और ये प्राथमिकता रही है भारतीय जनता पार्टी की कि उसको वो अपने हर सदस्य हर अपने कार्यकर्ता से सीधे सीधे जुड़ती है, इसलिए उसकी प्राथमिकता है कि हर आदमी से जुड़ा जाए, बूथ से जुड़ा जाए, उसके लिए ये बैठक यहाँ पर रखी गई है, इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ राव काले खां भी हम इनसे भी बातचीत करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रोड शो हुआ है, कार्यक्रम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह पर, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल बना हुआ है? और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि कोई और अदर पार्टी या इंडिपेंडेंट व्यक्ति टक्कर में है, मुकाबला है? आज ज्वालापुर विधानसभा का रोड शो में आप ये समझिए कि बहुत खुशी का माहौल है जनता में और बहुत ही जन सैलाब, आपने देखा कि तमाम जन सैलाब उमड़ा, इतनी खुशी जनता में, बहुत ही जन सैलाब उमड़ा। आज मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, ज्वालापुर विधानसभा में जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी विकास, कितना विकास करा भारतीय जनता पार्टी ने, कितनी योजनाएं दी, केंद्र की योजनाएं अलग, प्रदेश की योजनाएं बहुत, चाहे उसमें स्वास्थ्य कार्ड रहा हो, जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे इन्होंने सबका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जिसका लाभ हर भाई गरीब को अमीर को सबको एक तरफ से उसका लाभ मिला, लोगों में बहुत उत्साह,
एक तरफी से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 6 लाख वोटों से जिताएंगे पूरे। अभी मैं उमेश कुमार जी का सुन रहा था, उन्होंने एक अपनी स्पीच में बोला कि कांग्रेस पार्टी 2 लाख वोट भी मिल जाए तो काफ़ी है और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख वोट तक पहुँच पाए वो काफ़ी है और हम 7 लाख वोट से जीत रहे हैं। 70,000 भी नहीं मिल रहे उनको, 70,000 भी। उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा होगा, ये इलेक्शन विधानसभा का नहीं लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा का 6 लाख से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतते हैं। भगवानपुर विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे आप, यहाँ से कितना समर्थन जाने वाला? एक तरफी बहुत उत्साह है भगवानपुर विधानसभा में, नहीं पूरे जिले में पूरा उत्साह, एक तरफी पूरा विधानसभा लोकसभा में एक तरफी वोट है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय त्रिवेंद्र जी 6 लाख से ज़्यादा वोट जीतेंगे। चलिए मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि जो हमारे क्षेत्र है ज्वालापुर विधानसभा, भगवानपुर विधानसभा, यहाँ पर वो क्या मुद्दे जो कि भारतीय जनता पार्टी से जनता के, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो हमारी, चाहे लोकसभा हरिद्वार में कोई सा भी क्षेत्र हो, तो जनता के मुद्दे तो जो आम जनता के मुद्दे हैं क्षेत्रीय विकास के, वो तो यहाँ के विधायक और यहाँ की जो और दूसरी छोटी जो निकाय हैं उनके जिम्मे है। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे एमपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जो बड़े मुद्दे हैं जैसे हाईवे हैं, पुलों का निर्माण है और बड़े काम हैं, रोड वगैरह हैं, इनके बनने के लिए हमारे एमपी जी उसके लिए पूरे तत्पर रहेंगे। तो यही क्षेत्रीय विकास के मुद्दे होते हैं, बाकी तो लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो देश को आज सर्वोच्च, पूरे विश्व में सर्वोच्च नंबर एक पे ले जाने की उसमें लगे हुए हैं प्रयास में, और इसी तरीके से अगर देश में जनता का समर्थन मिलता रहेगा तो एक दिन हमारा देश भारतवर्ष दोबारा से विश्वगुरु बनेगा और नंबर एक पे रहेगा विश्व में। एक बात और पूछना चाहूँगा, चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी में न्यू ज्वाइनिंग होती है कि हर कोई नई ज्वाइनिंग करता है, कि कोई आम जनता हो या कोई किसी दूसरी पार्टी में हो या आम सदस्य हो, तो ये न्यू ज्वाइनिंग जो होती है वो अपने फ़ायदे के लिए लोग कर रहे हैं या उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा मिलने वाला है, तो क्या समझते आप? नहीं, ऐसा होता है जब भी चुनाव होता है तो जो पार्टी के लोग हैं, अदर पार्टियों के लोग हैं या अदर नेता हैं, वो इसलिए पार्टी ज्वाइन करते हैं कि मान लो अगर वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ उनकी विचारधारा नहीं मेल खाती, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता या पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं देती, तो उनको अपनी जो काम करने की शैली है उसको पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वो जो ऐसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं जो शक्तिशाली पार्टी हो, जिसका जन समर्थन हो। और वो लोग जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ही जुड़ रहे हैं या फिर अपना फ़ायदा देखकर जुड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, अपना फ़ायदा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल है जनता में। प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की अन्य अन्य बहुत योजनाएं आई जिसका जनता लाभ बहुत उठा रही है। माननीय त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी अन्य बहुत योजनाएं चलाई जिससे जनता बहुत खुश है, स्वास्थ्य कार्ड चलाया उससे बहुत जनता खुश है, और अब एमपी बनेंगे तो यहाँ गंगा बह जाएगी विकास की, इसलिए जनता में बहुत खुशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 6 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे। अभी आपने कहा कि अगर त्रिवेंद्र रावत जी एमपी बनेंगे तो विकास की गंगा बह जाएगी, जो पूर्व सांसद हैं यहाँ से निशंक जी, तो उनके समय वो क्या विकास के कार्य अधूरे रह गए कि जो आप समझते हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी आने के बाद पूरे करेंगे? उनका कार्य का, उनका अगर कोई अधूरा भी रहा हो तो ये पूरा करेंगे। क्या रहा है, क्या? नहीं नहीं, उन्होंने भी बहुत विकास किया, नहीं चेहरा नहीं बदला, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, ये तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी कहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, मेरे ध्यान में एक सवाल आ रहा है कि अगर ये दूसरी पार्टी या अदर जो न्यू ज्वाइनिंग हो रही है
और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने लोग आ जाएंगे तो विपक्षी दल तो लगता है इस तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आपस में गुट बन जाएंगे, क्योंकि हर कोई जो आ रहा है वो चाहता है कि मुझे कोई पद मिले, है ना, अपने पद के लिए, अपने फायदे के लिए जहाँ तक लगता है आ रहा है। तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, इसका आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है या फिर वो गुट बन के आपस में ही क्या समझते नहीं, जो पार्टी ज्वाइंट कर रहे हैं वह इन पार्टियों से उनका मुंह भंग हो गया, उनको अपना अच्छा और बुरा भारतीय जनता पार्टी में अच्छा ही लग रही है, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं।